हाय, मैं हूँ नादिया खान और मैं सपोर्ट करती हूँ पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल्स को, इसलिए अपने फेवरेट ड्रामास देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए ड्रामा सेंट्रल को। और हाँ, मेरा चैनल आउट स्टाइल, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा। सिया। क्या हुआ, तुम लोग गए नहीं? क्यों रो रही हो तुम? चंदा, क्या हुआ है, रो क्यों रही हो, बताओ तो। क्या हुआ है? ये नादिर भाई ने बच्चों को तलाक दी। क्या? आपकी चंदा बेघर हो गई है, मेरे सर से मेरा साहिबा छिन गया है, छिन गया है। ये चंदा माला आंटी, वो नानी क्यों रो रहे हैं? नानी, अब आप अम्मी को कहें मुझे वहां मत लेके जाए। इधर बैठो, इधर बैठो, मेरे पास बैठो। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, आप नाना अब्बू और नानी के साथ रहोगे, ठीक है बेटा? माला, चिड़िया को अंदर लेके जाओ। बदले जो मौसम क्या हुआ, क्यों उदास हो, क्या हुआ? अपना मुंह ठीक करो, फिर हम चलते हैं जल्दी से बाहर। मामू, आप कितने अच्छे हो ना, कितना प्यार करते हो आप मुझसे। वहाँ तो मुझसे कोई प्यार भी नहीं करता था। मामू, अब मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगी ना। नहीं नहीं बेटा, तुम अब वहाँ नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी हमारे पास। अम्मी भी नहीं जाएंगी ना? नहीं नहीं, पक्का अम्मी भी नहीं जाएंगी, सच। अच्छा चलो, हम बाहर घूम कर आते हैं, तो मैं बहुत सारी चीजें भी दिलाऊंगा, सही है? आ जाओ। मेरी शादी आप किसी से भी करवाती, मेरे नसीब की ठोकरें मुझे मिलकर ही रहती। मुझे किस्मत से गिला है, सिर्फ एक। मैं बद किरदार नहीं हूं, मेरे दामन पे जो दाग लगाया है वो झूठा है। हम जानते हैं हमारी बेटी को, तुम फिक्र मत करो, खुदा ना कदूस तुम्हारा हिसाब जरूर लेगा। देखना, खून के आंसू रोएंगे ये लोग। ये जो नादिर ने सैनब से शादी की है ना, ये इसको नस्ब नाबूद कर देगी, जिसकी वजह से मेरी बच्ची उजड़ी है। मुझे मालूम है बेटा, मुझे मालूम है इस वक्त तुम किस अज़ियत से गुजर रही हो, लेकिन इस कठिन वक्त को सब्र से बर्दाश्त कर लो। बस कोशिश करना कि लोगों तक तुम्हारी ये बात ना खबर पड़े कि तुम्हें तलाक हो गई है। जानती हो ना, ये माशा तलाक याफ्ता औरत को
किस नजर से देखता है, किस तरह उसके खानदान की इज्जत उछाली जाती है। हमारे माशरे में तलाक वाली औरत को बुरा समझा जाता है, ये जाने बगैर कि उसका कसूर था भी या नहीं। मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ? मैं कैसे किसी और से शादी कर लूं? ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है और ना हो सकता। नादिर वो वाहिद शख्स है जो मेरी मुट्ठी में है। आज उसने सिर्फ मेरी खातिर मेरे सामने अपनी बीवी और बच्ची को घर से निकाल दिया। वही मेरा हो सकता है। नादिर से मैं अपने सिलसिले को कब तक छुपा कर रख सकती हूँ? मुझे एक ना एक दिन तो सब कुछ बताना ही पड़ेगा। अबे लगता है तू ऐसे नहीं जाएगी। नादिर, नादिर नहीं, नादिर मुझे मत निकालो, नादिर। अबे सारा रोमांटिक मूड खराब कर दिया। अच्छा चलो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शरबत बना के लाती हूँ, वो भी ठंडा, ताकि तुम्हारा दिमाग कुछ ठंडा हो जाए। अबे क्या कर रही है, अभी शादी सर पे है तो ठंडी चीजें खिला रही है। तुम्हारे अब्बू कितने खुश थे तुम्हारे अपने घर वापस जाने के फैसले से। अब उन पर क्या गुजरेगी जब उनको ये पता चलेगा कि उनकी बेटी का घर उजड़ गया। नहीं अम्मी, आप अब्बू को कुछ मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। गरीब लोगों की बेटियों की किस्मत भी उन्हीं की तरह गरीब सी क्यों होती है? क्यों पैसे वालों की बेटियों की तरह से उनकी जिंदगी में सुकून और राहत नहीं होता? तुम्हारे अब्बू है ना, बिल्कुल ठीक कहते हैं, साथ बात कुछ नहीं होती है, सब कुछ पैसा है, पैसे से सुकून है, इज्जत है, राहत है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। हम आज ही तुम्हारे अब्बू से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके माला का निकाह काकर से करके उसे रुखसत कर दे। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सोच रही हूँ। बहुत पैसा है काकड़ के पास, सारी जिंदगी मेरी माला ऐश करेगी वहां। अम्मी आप जानती हैं ना कि काकड़ किस किस्म का खबीस इंसान है,
आप माला की शादी उसके साथ कैसे करा सकती हैं? आप सोच भी कैसे सकती हैं? सोचा तो मैंने ये भी नहीं था जो तुम्हारे साथ हुआ है। नादिर तो काकर से अच्छा इंसान था ना, क्या हुआ? सोचने से क्या होता है? हम अपने बारे में अच्छा सोच तो सकते हैं बेटा, लेकिन अपने हाथों पे लिखी हुई लकीरों को नहीं बदल सकते। सोचो जब माला का काकर से निकाह हो जाएगा तो हमारी माला कितनी सुखी होगी, कितना सुकून होगा उसकी जिंदगी में। अच्छा पहनेगी, अच्छा खाएगी, अच्छा रहेगी, सब कुछ होगा। कितनी अच्छी जिंदगी होगी उसकी। इस गुर्बत की जिंदगी से तो छुटकारा मिल जाएगा ना हमारी माला को। आप उसकी हराम की कमाई से मुतासिर होकर अपनी बेटी को आग में झोंकना चाहती है? नहीं अम्मी, मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है, चाहे फिर दिलो दिमाग उसकी कितनी मुखालफत क्यों ना करता हो। हम भी हालात के हाथों बहुत मजबूर हैं, डरते हैं बुरे वक्त से। इस गरीबी और बुरे वक्त का पुराना साथ रहा है। काकर बुरे वक्त की तरह हमारे सामने खड़ा है, धमकी देकर गया है कि अगर हमने उसका कर्जा ना लौटाया और माला का हाथ उसके हाथ में ना दिया तो वो कुछ भी कर जाएगा। पर इरशाद तो उसके होटल पे काम कर रहा है ना। लेकिन अब वो एक साथ सारे कर्जे का मुतालबा कर रहा है। हम मजबूर हो गए हैं बहुत उसके हाथ। वो हमारी बच्ची को कोई नुकसान ना पहुंचाए इसलिए हमने और तुम्हारे अब्बू ने ये फैसला किया है। हम माला का हाथ उसके हाथ में दें। हम बहुत मजबूर हैं चंदा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम हालात से लड़ लड़ कर थक गए, हार गए, हमें माफ कर दो। हम तुम दोनों बहनों की तकदीर नहीं बदल सकते, हम तुम्हारी तकदीर से नहीं लड़ सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम हार गए हैं चंदा, हम हार गए हैं चंदा। मैं माफ करती हूँ, मैं माफ नहीं, मैं माफ कर दो चंदा, हमें माफ कर दो। शायद तुम यहाँ अकेले बैठे हो? हाँ बैठा हूँ, क्यों? अम्मी अस्पताल गई हैं? हाँ अभी अभी निकली है। वो चिड़िया कहाँ है? चिड़िया सो रही है। मैंने तुमसे एक बात पूछनी थी। किस बारे में? अम्मी तुम्हें क्या कह रही थी काकर के बारे में? नहीं कुछ कुछ नहीं करेंगे। वो तुम्हारी वजह से परेशान है, काकड़ अपनी औकात दिखा रहे हैं उनको।
धमकियां दे रहा है अम्मी अब्बू को, बहुत परेशान है वो, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। और इसीलिए अम्मी अब्बू मेरी शादी काकड़ से करवाना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में वो सोचने पर मजबूर है, काकड़ की धमकियों में आ गए हैं, डर गए हैं वो, उनको फिक्र है तुम्हारी कि कहीं काकड़ तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं इरशाद, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं काकड़ से कभी शादी नहीं करूंगी, और अगर तुम भी कुछ ना कर सके ना तो मैं कुछ कर दूंगी। नहीं नहीं माला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम ऐसा कुछ नुकसान अपने आप को नहीं पहुंचाओगी, इससे अम्मी अब्बू और हम सब तकलीफ में आ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। मगर वो सारी जिंदगी मुझे अजियत में देख सकेंगे। खुद बताओ, देख सकेंगे वो मुझे अजियत में? नहीं माला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं खुद अम्मी अब्बू से बात करूंगा, बल्कि मैं बच्चों से बात करूंगा कि वो तुम्हारी शादी कहीं और कर दें, काकड़ से ना करें। और रहा ये काकड़, इसको तो मैं खुद देख लूंगा, तुम परेशान ना हो। तुम क्या करोगे? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। फिर भी मैं जाना चाहती हूँ इरशाद। बस तुम अपने काम से काम रखो। ये भी तो एक काम ही है जिसकी वजह से बहुत परेशान हूँ। देखो माला, बहनों को परेशान नहीं होना चाहिए भाइयों के होते हुए। देखो इरशाद, तुम एक ही तो भाई हो हमारे, सारे घर को हर वक्त बस तुम्हारी फिक्र लगी रहती है। तुम्हें नहीं पता जब तुम्हें पुलिस उठा के लेके गई थी ना, जिस तरह हमने वो दिन गुजारे वो हम ही जानते हैं। तुम ठीक कह रही हो, मैं समझ सकता हूँ। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। नहीं नहीं बेटा चिड़िया, जिद नहीं करते, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे मम्मी के पास जाना है। बेटा आपको बताया तो आपकी मामा कहीं गई हुई हैं। कहाँ गई हुई हैं? बेटा वो आपके नाना अब्बू को हॉस्पिटल देखने गई हैं। हॉस्पिटल? मामू नाना अब्बू कब तक ठीक होंगे? बेटा आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि नाना जल्दी ठीक हो जाए। मुझे अब्बू के पास जाना है। नहीं चिड़िया, तुम्हें अपने अब्बू को भूलना पड़ेगा। नहीं मैं उन्हें नहीं भूल सकती, वो मेरे अब्बू हैं। नहीं नहीं तुम्हें भूलना पड़ेगा अपने अब्बू को। मामू वो हमें बहुत मारते हैं और डांटते हैं, इसलिए आप कह रहे हैं ना? अरे नहीं नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो अंदर चलो, हम अंदर चल के बात करेंगे, तब तक तुम्हारी मामा भी आ जाएंगी। बदले जो मौसम मौला ऐसा कीजो, अब के मोरे नैना को सावन ना दीजो। बदले जो मौसम के मोरे नैना को सावन ना दीजो, है हाथ खाली रब्बा दामन भी खाली। वो देखो इरशाद आ रहा है। आया इरशाद, बैठ, क्या हाल है? हाँ यार बस यार यार हम तुम्हारे किसी काम नहीं आ रहे, लेकिन ये पैसे रखो, हो सकता है तुम्हारे किसी काम आ जाए, जरूरत की चीज ले लेना कोई। नहीं ये किस लिए? रखो यार, कोई काम आएंगे तुम्हारे। अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। रखो इसे, तुमने हमें गैर समझे हो, रखो इसे। नहीं समझ कर रख लो, मुझे जरूरत नहीं है इसकी। इरशाद हम कह रहे हैं रखो इसे। अच्छा तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं उधार समझ के रख लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तुम इतना पैसा लेकर बैठा,